ਸੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੋਰੀ ਅਨ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਮੋਰ ਨੀ ਕੋ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ 11 ਆਏ ਕੇ ਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਾ ਕੋਈ ਛੋਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਛੋਰੀਆ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੇ ਬੰ ਤੋਤਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੇ ਯੂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੇਸ ਕੇ ਨਾ ਯੂ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਉਤ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਛੋਰੀਆ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਛੋਰੀ ਛੋਰੀਆਂ ਕੋ ਆਇਆ ਕਰਾ ਇਹ ਤੋ और बतेरी अपने छोरी यारा पोता ब्याह याना रह रहे आई भी हो याना नहीं ब्याह और ब्याह जो के जी तो बहुआ देती हो वगा शाना तो अच्छा इतना याना रहवागा अब तो याना अच्छा तो नहीं भी शादी होती इतना नहीं बहुआ होती तो नहीं बत्ते दम दे अच्छा तो याने देख दादी की बात सुनो अपना पोता ना कदे नहीं बड़ा मान दी है ना तो याना सारे छोटे है तेरे नाम की है और ਅਤਾ ਬੁੱਲ ਲੈ ਕਾ ਬੁੱਲ ਲੈ ਕਾ ਤੇ ਤੋ ਦਾ ਲੀਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੈ ਬੁੱਲ ਲੈ ਕਾ ਥੋੜੇ ਬਿਆਹ ਰੱਖੇ ਛੋਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੂਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾ ਤਾਂ ਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਗੀ ਤੋਤਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾ ਤਾਂ ਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਗੀ ਤੋਤਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋ 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 ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਰਲੇ ਪੁੰਨ ਮਖਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਰਾਮ ਕਦਲੇ ਜੇ ਠਾ ਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ 2500 ਹੋਵੇਂਗੇ और 2250 2250 तो पहला मिले ही नहीं है 2500 हो जाएंगे बढ़िया इनका तो भी नहीं की लाऊंगी मौज होगी चाहे तो कभी दो भी नहीं की लाए करती अब तो फिर दो भी कर दूंगी इनका तो भी नहीं की लाऊंगी मिन नहीं की लाओगी इवन नहीं पता कि नहीं अच्छा वो मिन नहीं की लाओगी तनखा बढ़ने की खुशी हो रही है लिया हुआ जैसे आए जाएंगे वही अपना चल ठीक है तेरे बेटे टैक्स भर है तो अपना तनखा ले ही जा है बहु भी भरे बेटे भी भरे तेरे टैक्स मेरा हलवा करना मैं क्यों 100 रुपया अरे 100 रुपया का भी जो था घी भी सस्ते थे और घी थे भी करके सस्ते होता महंगे हो अच्छा मैं तो लेकर आराम करना अपना मते तो रोतल बाती गई रोतल अच्छा मेरी दादी मेरी दादी के 100 रुपये आए थे फिर उन्हें आलू महंगा था खाने में इतना मैं बेहतर सूत्रा बोला तक तो आलू मेरी मां कुकर ढेर होते थे मां तेरी मां का 100 रुपया रे उधर 100 रुपया का सागी और सब लेगा नहीं उधर रहती हूं मैं कहां फिर वो बहुत साल की बात है उन्हें 25 साल तो मरी न लिए फिर भी 2500 लिए 25 और 1000 बराबर होया कर उस टाइम पर तो हाँ अमित होया कौन था नमित ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਥਾ ਯੂ ਵੀ ਨੈਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾ ਯਤਿੰਦਰ ਦਾ ਬੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਥਾ ਯੂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਥਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਥਾ ਹਾਂ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੜਾ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਨਾ ਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਚੂ सासू से बात करने के बाद अब मैं कूट रही हूँ सेंधा नमक मोम जस्ते में कुछ तो मैंने कूट लिया था कुछ अब कूट रही हूँ क्योंकि हम सेंधा ही नमक ही खा मैं ज़्यादातर और ये इतने बड़े बड़े डले लेके आते हैं ये 1-2 किलो में मिलते हैं और घर पे ही कूट के छान के अच्छी तरह से फिर रख लेती हूँ आज ये बिल्कुल मोटा मोटा हा कूट रहा था कई बार कूटता है पहले मिक्सी में कूटती थी जैसे अब कूट के इसमें और फिर मिक्सी में कूटती फिर मिक्सी मेरी एक बार ख़राब हो गई तो अब की बार मैं मिक्सी में नहीं वो करूँगी इसको देखती हूँ कैसे कि प्रोसेस रहेगा इसका अग अब कूट लिया है थोड़ा बहुत और छान छून के जो सब बाकी का बच रहा है इसको करूँगी थोड़ा नन्ना ये थोड़ा मोटा मोटा रह रहा था तो फिर इसके बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे और आज बनाऊंगी मैं करेले काफ़ी दिन हो गए थे ले आए हुए करेले ना मामा चल आज बना ले इनको तो ये मैंने अच्छी तरह से साफ करके छील के और इसके अंदर से निकाल के भरवा करेले बनाऊंगी रख लिए थे इनका पानी पूनी नहीं छोड़ लिया था और तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल लिए क्योंकि मैं इनको तेल में तड़क के और फिर बनाऊंगी अब जैसे ये तेल में डाल दिए और इनको अच्छी तरह से डाल डूल के फिर ढक दूंगी
ढकने के बाद इतने मैं अपने प्याज काटूंगी, हरी मिर्च काटूंगी, प्याज कट के और हरी मिर्च कट के इतने ये अच्छी तरह से तले जावेंगे। फिर इनको निकाल के इसी तेल में मैं प्याज और हरी मिर्च डाल दूंगी और इनको अच्छे से भुनेंगे। अच्छे से भुनने के बाद फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी बहुत लाल मिर्च, और इनको अच्छी तरह से भून के फिर इन करेले में भर देंगे। और करेले में भर के मैंने ऐसे रख दिए थे जो एक्स्ट्रा तेल है ना इनका वो बाहर निकल जाए, और थोड़ा सा तेल कढ़ाई में छोड़ के और मैं इनको आराम आराम से डालूंगी, ना कि इनकी फिलिंग बाहर निकले। सारे डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी कम गैस पे और इनको ढक के रख दूंगी, कुछ टाइम पकाएंगे और फिर बन जाएंगे अपने करेले। और ये करेले बहुत स्वादिष्ट बने हुए थे, बहुत अच्छे से बने हुए थे। और इस साइड मैंने रख रखा था बेटे का पास्ता उबलना, तो साथ में पहले करेले बनाए और फिर थोड़ा सा इसका पास्ता बनाया, साथ में फिर मैंने थोड़ा सा आटा बनाया था। जो सुबह के काम होते हैं अपने यही होते हैं, खाना बनाने का, बर्तन साफ़ करने का, रसोई साफ़ करने का, आटा बनाने का, उसके बाद फिर रोटियां बना के खाने का। और आटा बनाने के बाद मैंने गैस को साफ़ किया था, क्योंकि जो तेल का छोंक लगाते हैं ना उससे सारी गैस पर तेल हो जाता है। तो फिर मैंने रोटियां बनानी थी तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले ये गैस साफ़ कर लूं और साथ में ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने रोटी बनानी थी। तो रोटी बनाने से पहले फिर जो गैस पे तेल खड़ा होता ना फिर आटा गिरता वो बिल्कुल चिपक जावा, तो इसलिए मैं पहले अपनी पूरी तरह से गैस को क्लीन करके और प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर बेटे की वो बनानी है, उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी। रोटियां की अभी डिमांड नहीं आई थी क्योंकि केले का जूस बना दिया था, वो पी लिया था सभी ने, तो अभी भूख सी नहीं थी। मैं चलो पहले अपना छोटे मोटे और काम कर लेते हैं जो रसोई में थे, पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि ये तो ज़रूरी होते हैं अपने काम, इनके बगैर तो काम नहीं चलता। प्याज कटते जा रहे हैं अपने मैक्रोनी बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए। क्यों क्या हो गया? बना ली टेस्टी टेस्टी चरतरी चरतरी अच्छी तरिया चक्की में घेर दिया, अभी चक्की में कुटूंगा। और ये बनिया उसका बिल्कुल नन्ना, और अब ये डिब्बे में डलेगा और वहां पे चक्की साफ हो रही है। हाँ बिल्कुल नन्ना हो गया, मेरे ख्याल से ऐसी जरूरत नहीं, 2-3 किलो बेच गया यू है, इतना का अपना लग रहा है। सफाई में तो लग गया टाइम लग रो, लॉकडाउन चल रहा है, काम है नहीं, घर के काम कर लो छोटे मोटे। ये बंदा लग गया पड़े अपनी पास्ता बनाने में, बना लिया
पिछले साल लॉकडाउन में तो नहीं बनाया, तेरे की बार बनाया, पहली बार है ना बनाया था। पिछले साल बहुत खाए, अब की बार थोड़ा है, ये ज्यादा ना गिरी है, बतेरे गिर रखे हैं। आई ना रख दे फ्रिज में वापिस। खा लीजिए, अभी करेला बन चुका है, दही रोटी, और ये बंदा खाने पे लगे हुआ है। कैसा लगा करेला? दही के साथ खाना पसंद करते हैं करेले। और सामने कोरोना की न्यूज। आजकल के बच्चे ने जूतिया का बड़ा बहम रहा है। हैं मंगाए नहीं ऑनलाइन, और जूता का साइज तो देखो तरीका। साइज बड़ा और के देखिए, एक बिलैंत भी ऊपर का। इतना लंबा मोटा होना जरूरी था तने? पहाड़ी हाथी कितनी हो रहा। कौन सी कंपनी तो मंगवाया? नहीं प्यूमा, और पक्का प्यूमा। अच्छा प्यूमा तो मंगवाया। हाँ ये तो महंगी है, सही है, पूरे हैं। ये बोल नहीं जावेगा कब तक की कदे कदे, फिर जन्मदिन पर मैंने जूते चाहिए तेरे, जूते पर कपड़े में बहुत पीछे खो दिए। दोपहर के 3 बजे हैं और मौसम काल आंधी वाला और साथ में बादल वाला और साथ में गर्जना भी हो रही है। पता नहीं कितनी बार आंधी लेके आएगा, आपकी बारी है। हेलो, राम राम जी, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल मलिक फैमिली में और आज के व्लॉग में। मौसम हो रहा बिल्कुल आंधी वाला, साथ में बारिश। तो चलो थोड़ी देर ऊपर टहल के आते हैं। हवा तो बिल्कुल तेज चल रही है, साथ में गरड़ फरड़ भी चल रही है। देखो आएगा क्या करेगा। आंधी आएगी पूरी जोरों शोरों से। अगर आपको पेड़ दिख रहे हो ते हुए, गाड़ियाँ चल रही हैं। अब तो बस यही छत नीचे, घर, टीवी, फोन, इसी में टाइम बीतेगा जैसे पिछले साल बीतता था। पिछले साल टिकटॉक था, अब की बार यूट्यूब है। उसके लिए वीडियो बनाएंगे, पिछले साल टिकटॉक के लिए बनाते थे। नहीं है